हेलो फ्रेंड्स, ईवा रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई सब्जी से हम घर पर बच्चों के लिए वेज रोल कैसे बनाएं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम वेज रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए एक कटोरी आलू मटर की सूखी सब्जी। अगर आपके पास ये सब्जी पहले से बनी हुई है या फिर फ्रेश है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटा पहले से भून कर रख लिया है। फिर इसका हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी हम गोल रोटी बनाएंगे इस तरह बेलन से बेलते हुए। और ये देखिए हमारी गोल रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पर हम डालेंगे आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी को हम रोटी के बीच में डालेंगे, पूरी रोटी पर हम सब्जी को नहीं डालेंगे। फिर इस तरह से एक साइड से हम इसको अंदर की साइड को रोल करेंगे। फिर हम इसी तरह से दूसरी साइड को भी अंदर की तरफ रोल करेंगे। और ये देखिए हमारा वेज रोल बनकर तैयार हो गया है। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। दूसरी साइड हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा वेज रोल फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे। अगर हम फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा वेज रोल एकदम से जल जाएगा। इसको हम हल्की आंच पर इस तरह फ्राई करेंगे। फिर इसको हम दूसरी साइड को पलट देंगे और इस तरह से उलट पुलट करते हुए इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारा क्रिस्पी वेज रोल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब हम इसी तरह से एक और वेज रोल रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक लोई लेंगे, इसको भी हम बेलन से बेलेंगे और इसकी हम एक गोल रोटी बनाकर तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब इस पर हम डालेंगे सबसे पहले कस्तूरी मेथी, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। फिर इस पर हम डालेंगे हमारी सूखी आलू मटर की सब्जी और फिर इसको हम इस तरह से रोल करेंगे एक साइड से, फिर इसको हम दूसरी साइड से रोल करेंगे। आप देख सकते हैं हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से इसके साइड से कोनों को अंदर की साइड भी बंद कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारा वेज रोल बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम पहले की तरह फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखना है, हाई पर नहीं करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा वेज रोल फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हम उलट पुलट करते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये कितना ही क्रिस्पी बन गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे प्लेट पर। और ये देखिए कितने ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम इस तरह से कट करेंगे। अगर आपके पास कटर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नाइफ का यूज़ कर रही हूँ इसे कट करने के लिए। और ये देखिए कितने ही यमी लग रहे हैं हमारे वेज रोल। और इस तरह से हम सारे वेज रोल को कट कर लेंगे। फिर इसे हम इस तरह प्लेट पर रखेंगे। इसके साथ मैंने सर्व की है टमाटो सॉस, साथ में मैंने रखी है मेयोनीज। आप इस तरह से इसको गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए कितने ही क्रिस्पी और यमी हमारे वेज रोल बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपने घर पर कभी गेहूं के आटे के वेज रोल नहीं बनाए हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।